हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हैं NGF गोट फार्म पे। हमारे साथ है याया भाई। NGF गोट फार्म का फुल फॉर्म है नादिरा गोट फार्म, ठीक है। आज मैं इनसे पूछ लेता हूँ नादिरा गोट फार्म का क्या NGF का क्या फुल फॉर्म है और नादिरा कौन है, क्या है ये, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शूट की रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी तो याया भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग इनसे मेरा नंबर लेकर डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई। नादिरा कौन है ये? नादिरा मेरी मम्मी का नाम है भाई। अरे तो उनके नाम पे ही फार्म है भाई। नादिरा गोट फार्म जो है इनकी वालदा के नाम पे है और माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है और फार्म भी बहुत अच्छा रन हो रहा है माशाल्लाह भाई। ये तीसरा सीजन है अपना, चौथा सीजन है भाई यही जगह पर। हाँ, ये जगह बड़ी जगह पे तीसरा सीजन है। ये जगह पे अपना 14 सीजन हो गया। एक्चुअली में तुम्हारी 4 साल इधर ही हो गए ना। पहले ये सब अपने अंडर में नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब अंडर में आ गया। सब अंडर में भाई माशाल्लाह। तो अब जो बकरे दिखा रहे हैं ये सब सेलिंग के हैं भाई? ये एक बकरा और मेंढे है सेलिंग के जो। ओके ओके, वो इंशाल्लाह दिखाएंगे। बकरा और मेंढे जी भाई। कौन से मेंढे? एक मुझा भाई जानने दो। एक्चुअली ये भाई साहब ने टेम्पू स्टार्ट कर दिए थे तो हमको रुकना पड़ा। हाँ भाई ठीक है। ये बकरा देना है अपने को जी भाई? ये बोर है, ये देना है अपने को। क्या डिटेल पर है भाई? ये 85 kg रहेगा और 8वां दांत कर रहा है। 85 kg 8 दांत कर रहा है भाई। क्या वजन पर है? बहुत वजन तो 85 kg 8 दांत कर रहा है। क्या प्राइस कोट कर रहे हैं इसके भाई? इसका अपन 80,000 मांग रहे हैं। 80,000 जी भाई। निगोशिएट करेंगे? हाँ भाई, ज़्यादा नहीं कर लेंगे। लेकिन कर लेंगे। हाँ। क्या लगता है 80,000 वर्थ है भाई? बोर के हिसाब से तो वर्थ ही है। और भाई बोर में भी काफ़ी क्वालिटी में आते हैं, जो हिसाब से तुम उसका चेहरा वगैरह देख लो। ये क्वालिटी बोले तो कैसी है? कितने उसमें बोलेंगे इसको क्वालिटी के अंदर? 100% ही बोलेंगे, जो हिसाब से उसका फेस देख लो, दाढ़ी देख लो उसकी भाई। दाढ़ी वाड़ी तो बहुत मन लंबी निकाला यार भाई बोल रहा। और ये कैसा गर्मी की वजह से बकरे थोड़े से बोलो ना स्लो चल रहे भाई, वरना माशाल्लाह ये और वेट पे रहता है माशाल्लाह। तो 80,000 में नेगोशिएट कर देंगे ना? हाँ भाई ठीक है चलेगा। दूसरा कौन सा है? ये ब्लैक मेंढा जी भाई। ये ब्लैक मेंढा है। कौन सी ब्रीड में आएगा भाई ये? भाई ये विलायती है। ओके। और बहुत गर्म है भाई, ये दो दांत लगा रहा है ये। और ये गर्म है भाई, फुल गर्म है ये, समझ रहे? जो खेल वाले लोग का बोलते ना भाई, वो वाला टेस्ट। ये अपने पास पलाई पे है कि अपना पर्सनल है भाई? ये अपने पर्सनल है भाई। ओके, दो दांत का है। हाँ भाई, दो दांत लगा रहा है। खूबसूरत मेंढा यार। हाँ भाई, मैंने भिवंडी के अंदर कादरी गोट फार्म पे शूट किया था, सेम ऐसे ही क्वालिटी का था। उसकी पूंछ थोड़ी लंबी थी और पूंछ वैसे ही व्हाइट जी जी, और पीछे के दो पैर व्हाइट। पूरा बकरा मेंढा जो था ब्लैक था। वो रामपुरी में होगा भाई? नहीं, सेम विलायती था, लेकिन ऐसे ही था सेम कलर में। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सोल्ड आउट भी हो गया वो बकरा मेंढा, और माशाल्लाह ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या डिटेल है इसकी? दो दांत पे भाई? ये दो दांत कर रहा है अभी। हाँ हाँ। और ये 55-60 kg, अराउंड 60 kg रहेगा भाई। हाँ हाँ। और ये भाई इसका अपन लोग ना 35,000 मांग रहे। कितना? 35,000 नेगोशिएट करेंगे इसको भाई? इसमें भी कर लेंगे, लेकिन कैसा है भाई, ये बोलते हैं ना जो पल्टी वगैरह करते या जो खेल वालों के लिए बहुत अच्छा मिल रहा है भाई। खेल के लिए चीज़ अच्छी है माशाल्लाह। बहुत भाई, इसके जोड़ वोड़ दिखा दो तुम, रिबिट वगैरह उसकी सिंग पे। एक मिनट लाओ दिखाओ। एक्टिव तो बहुत है भाई ये। भाई रिबिट वगैरह देख लो, अच्छा है मेंढा, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बार बार मुँह पे बकरा आता है क्योंकि ज़्यादातर बकरे शूट होते हैं। हाँ, इसको खड़े करो ना भाई, इस सब बकरों को खड़े करो एक बार। चले माशाल्लाह। ये मेंढा, ये बकरा देखो, ये देखो, ये सारे बकरे हमने एक पर्सनल वीडियो अलग बनाई है इनकी। ये दूसरी वीडियो बन रही है तो सोचा कि इनको भी वापस से खड़े करते हैं और कुछ जलवा दिखाते हैं बकरों का। भाई दूसरा मेंढा मंगा लेते हैं जी भाई, और दूसरा भी ब्लैक कलर का मेंढा भी मंगा लेते हैं। 42 की कमर का कोटा छोटा दिखता है। ये एक और मेंढा है। कौन सी ब्रीड आएगी भाई ये? भाई ये भी विलायती है भाई। विलायती में आएगा माशाल्लाह, लेकिन ये पूरा ब्लैक है ना? ये पूरा जेड ब्लैक है भाई, यानी बोलते ना वाला ग्रे ग्रेज टाइप है वैसा भी। ये कलर ब्लैक में विलायती बहुत रेयर होते हैं। रेयर होते भाई, यानी कुछ ना कुछ आ जाता सर पे वाइट या दुम पे, जैसा इसके है भाई। हाँ हाँ, वैसा ये पूरा जेड ब्लैक है भाई। जेड ब्लैक है माशाल्लाह, मतलब यूनिक आइटम है जी भाई। ठीक है, क्या डिटेल पर आएगी भाई ये? भाई ये समझ आना 50 kg 45-50 kg रहेगा ये। ओके। और ये भी दो दांत का भाई। दो दांत पर? दो दांत का भाई। चीज़ देखो माशाल्लाह। और अपने पास अपने पर्सनल है ये? हाँ ये भाई, इनको कोई पल्टी करेगा तो क्या पलाई लोगे इनकी भाई? वही 3,500 रुपये। ठीक है, क्योंकि भाई मेंढा तुमको मालूम है भाई, मेंढा तो फटे खाता है भाई, और खिलाना पड़ता है भाई। नहीं खिलाएगा तो फटे रिजल्ट देता है माशाल्लाह भाई, है ना? अपने पास है कुछ मेंढे, अंदर जाएंगे ना तुमको दिखाएंगे समीर भाई। ठीक है, जो माशाल्लाह 100 kg प्लस भी है। अच्छा, तो अभी अंदर चलते हैं अपन, एक आपका फार्म का टूर भी करवा देते हैं। जी भाई जी भाई, है ना जी भाई। इसके क्या प्राइस बोल रहे हैं भाई? ये जोड़ी
का ही मैं प्राइस बोल देता हूँ डायरेक्ट, जोड़ी का अपन 69,000 मांग रहे भाई। 69,000 ये दोनों मेंढो का मांग रहे, सिंगल इसका बोलो ना भाई, इसका 33,000 मांग रहे, 33,000 उसके 35,000 बोले है ना, नेगोशिएट हो जाएगा भाई, दोनों में हो जाएगा। ठीक है चलो अभी अंदर चलते हैं अपन। ओके भाई, सो ये हम लोग इंटर कर रहे हैं नादिरा गोट फार्म के अंदर। ठीक है भाई, ये जो बाहर बकरे इंटर करते साथ ही बने हुए हैं जो जी जी, ये नए वाले हैं भाई, ये समझो ना दो महीना ऐसा हुआ है इन लोग को आके, ये इसलिए इधर रखे और बाकी तो इंशाल्लाह मेन सेटअप पे सबसे पुराने बकरे हैं वही है भाई। ये सब अगले साल के लिए भाई, ये वो बकरा पलटी का है, बाकी ये दोनों मिनट इंशाल्लाह कुर्बानी हो जाएगा, ये दो बकरी है और ये भी ऐसा रखा हुआ है पलटी पे जाएगा इंशाल्लाह। हाँ पलटी पे तो नहीं भाई, अब जिसका बकरा उसके ऊपर है वो। चलो सही, ये है अंदर का सेटअप इनका। अरे ये ऑफिस बंद कर दिए क्या भाई? ऑफिस पे अभी कैसा है मालूम, थोड़े बकरे बढ़ गए तो ऑफिस भी बंद कर दिया। वाह, अंडुल का पूरा सेटअप है ये, इसमें केज वगैरह पूरे बने हुए हैं। ठीक है, अंडुल के केज तो फुल है भाई, अंडुल के केज फुल है अभी भाई, 25 के बकरे रहेंगे अगले भाई, अभी 5 तारीख से बकरे जाना समीर भाई चालू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर वो जो 25 के बकरे आएंगे तो इंशाल्लाह आप उन लोगों को केज में रख लेंगे इंशाल्लाह। पीछे का जो कूटा सिस्टम किए थे वो भी है भाई। हाँ तो इंशाल्लाह वो भी अपन देख रहे हैं, वहाँ पे दिखाओ। जी जी भाई, ये भी ऑलमोस्ट फुल ही है भाई, माशाल्लाह। ये इंडे निकाल के बाहर ले गए अपन ना, माशाल्लाह। ये जो मैं तुमको चीज बोल रहा था भाई, ये वही चीज है भाई, जो तुम बोला 100+ मेंढा है माशाल्लाह। खड़े करो इसको, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत चीज है। ये कुर्बानी का है? नहीं भाई, वो सेलिंग का है, तो जिनका है वो यानी उन्हें डाले वीडियो अल मेहताब गोट फार्म पे, उसकी वीडियो है। ओके ओके, तो इंशाल्लाह जिसको है तो उस पर जाके देखना, उनकी जो भी डिटेल्स है उनने उस पर बताया भाई। ओके ओके ओके, ठीक है। अपने पास पलाई 3,500 रुपये है अंडुल की, 50 किलो के ऊपर, 50 किलो के नीचे 3,000 रुपये, और खसी का फ्लैट 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, उसमें कोई वेट का कोई सीन नहीं है। सीन नहीं, और मेंढे की भाई 3,500 रुपये है ये, चाहे वो कितने भी वजन का। हाँ भाई ठीक है, थोड़ा छोटा एकदम छोटा मेंढा रहेगा ना समीर भाई, तो उसमें अपन लोग वो कर लेते। कितने बकरों की जगह भी खाली है भाई? अभी तो समीर भाई समझ, बकरों की जगह तो खाली नहीं है, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ, जो बाजू का लास्ट ईयर भी मैं आपको बताया था कि जो बाजू का गाला में ले लेता तो 25 के बकरे आते हैं भाई। तो बाजू का तो सेटअप है अपन ना, वो गाला जिसमें अपन पहले थे, तो वो अपन कहता कि इस टाइम पे ले लो 25 के बकरे आते ना भाई, तो अपन उसको रख लेते, जब ये बकरे जाते हैं तो अपन एक एक करके अपने इधर पे ले लेते हैं, क्योंकि ये फार्म में तो अभी जगह नहीं है समीर भाई, ये जो सेटअप है इसकी अभी इसको अभी ओपन करके इसमें नए बकरे जो आएंगे वो रखने चालू कर देंगे। और एक काम चल रहा था समीर भाई तारपत्री वगैरह का, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल के आए भाई। और ये भाई मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये समीर भाई ऐसा नहीं है खाली बकरीद के टाइम फार्म पे आते, इनको जब भी फोन करो नेक्स्ट डे भाई, आज नहीं कल आता हूँ। लेकिन ये क्या भाई, ऐसा नहीं क्या भाई, आ रहा हूँ बोल के लटकी वाला सीन कभी नहीं किए भाई। होता है कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं भाई कभी नहीं, नहीं, भाई। नहीं लोगों के साथ में किसी भाई, ने किया है? काफी हुआ है अपने साथ तो बहुत हुआ है। क्या बोल रहे हो? हाँ भाई ऐसा होता है क्या भाई? होता है भाई, दो दिन पहले शूट कैंसिल हो जाता है, एक दिन पहले अभी अपन सामने से फोन करो तो मालूम पड़ता है शूट सामने वाले को नहीं करने का, ऐसा भी होता है भाई। तो यार और अपन पूरी तैयारी में रहते हैं भाई कि अब शूट होने वाला है ये, वो हिसाब में ऐसा हुआ है भाई। खैर जान दो अपन किसी का नाम। चलो कोई नहीं, अल्लाह रहम करे और सबको एक दूसरे को लेकर चलने की तौफीक दे भाई। अपन तो वही है कि सीजन नहीं पूरा साल जुड़े रहो ना, इसलिए ना भाई समीर भाई अभी से इंशाल्लाह अपन बोल रहा ना, जो ऑफ सीजन आएगा ना इंशाल्लाह उसको ऑन सीजन में अपन उसको ही बुलाएंगे इंशाल्लाह। खाली ऐसा नहीं कि ऑफ सीजन में लोग आ रहे और ऑन सीजन में फिर दूसरे, तो वैसे लोगों को अपन दूरी रख बाय बाय कर दे। चलो ठीक है, सो ये वीडियो को क्लोज करते हैं है ना जी भाई। नंबर स्क्रीन के ऊपर यया भाई का है, आप लोग इनकी जगह पे विजिट करो, आओ भाई। रिजल्ट अच्छा है, मोर्टेलिटी अपने पास कितने परसेंट है साल भर में भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अपन वो नहीं करेंगे ये तो कस्टमर लोग अपने कुछ नीचे कमेंट में जवाब दे देंगे भाई। मेरे पास खाली पूरे साल में ना भाई दो बकरे का वो आएगा भाई, 50-60 बकरे, दो या तीन बस, 60 बकरे में से दो या तीन मैक्स भाई, तीन मैक्स है भाई। वो भी कैसा मालूम समीर भाई, उसमें से कुछ बकरे ना भाई जो फुल बारिश में भीगे हुए थे और छोटे छोटे बकरे थे जी, इस वजह से भाई। ठीक है, तो मतलब केयर अच्छी है भाई, केयर वही समीर भाई कैसा कि अपन फर्स्ट डे देख लेते, अगर बकरा को अपने को कुछ चेंजेस दिख रहे, बकरा अपने रंग में नहीं दिख रहा, तो अपन फर्स्ट डे से उसके पीछे लग जाते भाई, क्या है उसका टेम्परेचर वगैरह लेते,
वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह भाई कुछ बकरे ऐसे सीरियस भी हुए थे जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई ये चांसेस नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने दूसरी डॉक्टर को दिखा वगैरह करके उसको खड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपन ने खाली मेहनत करे, खड़ा करने वाली ज्यादा अल्लाह की है भाई, अपना काम है सिर्फ मेहनत करना भाई। सही है, तो भाई मेहनत तो कर ही रहे माशाल्लाह, तभी चार साल से एक जगह पे टिके जी जी भाई, और काम कर रहे हैं, कंटिन्यू ग्रो हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और आपको सबको पता चल रहा है। और इंशाल्लाह समीर भाई दुआ करो कि इंशाल्लाह ईद के बाद अपना कुछ जगह है सेटअप बड़ा करने का। क्या बात है, हाँ भाई बस अल्लाह से दुआ करो कि इंशाल्लाह कामयाब करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये वीडियो क्लोज करते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर अय्या भाई का है, आप लोग आओ यहाँ जगह पे विजिट करो, बकरे पलाई पे ज़रूर दो, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो केयर टेकिंग की लोग बात करते हैं और हम भी वही बात करते हैं। जी जी भाई अपना काम है, रिजल्ट देने का काम हमारा नहीं, रिजल्ट देने वाली जात अल्लाह है, अल्लाह की है, हम लोग मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे भाई इंशाल्लाह। बस ये क्या, बस कस्टमर थोड़ा सब्र रखे, कोऑपरेटिव रहे, कोऑपरेटिव रहे भाई, क्योंकि पूरा हर तीन सीजन में बकरा सेम वेट नहीं देता भाई, तो कस्टमर को बस वो थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है, वो हिसाब से भाई। सही है, तो ये वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।